आज हम फिर से खेलने वाले हैं रैंच सिमुलेटर। और भाई आप लोगों को पिछले पार्ट में याद होगा हमने अपनी एक नई गाड़ी ली थी। ये देखो ये हसन कैसी खूबसूरत सी गाड़ी है, मजेदार है ना। ये अपना चिकन कूप ठहरा हुआ और पिछले पार्ट में पूरे पार्ट में हमने इसके अंडे नहीं उठाए और अब हसन इसके अंदर इतना अंडे पड़े हुए हैं ना। जल्दी से ये आ जा, उठा ये उठा ले, मैं ऊपर पोटी साफ करता हूँ, तू अंडे पकड़। ठीक है आ जा खोल इसको। चलो अंदर अंदर, मैं अंदर घुसा है। ठीक है तू भी घुसा यार, ये अभी ये साफ करना है। तू यार अंडे उठा। इतना अंडे ये तो मैं गौर ही नहीं किया उस साहब भाई। और इसके कितना होंगे गैस का राजन? पता नहीं साहब गैस होंगे। $100 से तो ऊपर ही है। $100 से यार मुझे लगता है बहुत ऊपर होगा शायद। ठीक है अच्छा भाई पोटियां साफ करो, जितना अंडे है ना उतनी पोटियां भी हैं सर। हाँ उससे ज्यादा होंगे साहब भाई। यार यहाँ से सारा मैंने साफ कर लिया है, ये पार्टी वगैरह। और ये क्या हसन तूने पार्टी की है या ये मुर्गियों ने किया है? ये बताओ साहब भाई, मुर्गियों ने किया है। अच्छा चले भाई ठीक है। हसन सारे अंडे उठा लिए, कितने? ये मुझे लगता है आज फुल होती है। मुझे दिखा यार, अब मैं उठाता हूँ, मुझे भी अंडे उठाने दे। ये ले साहब भाई। ठीक है भाई, ये हसन भाई ने प्लेस कर दी और इसको पिकअप कर लेते। अब तू पोटी साफ कर जैसे मैंने किया अभी। चले ये अंडे सारे उठा लेते हैं। ओए होए भाई अंडे तो बहुत है, क्योंकि पता नहीं कितने टाइम से हमने अंडे उठाए ही नहीं है। और अब नीचे हसन खाना भी इनका चेक करना है, इन्होंने खाना खा लिया है या बचा हुआ है। यहाँ से नीचे नहीं जा सकते, वो मुर्गियां सिर्फ जा सकती हैं। आजा मैंने उठा लिए सारे अंडे, आजा बाहर आजा। चलो इसको अभी यहाँ पर रख देते हैं और नीचे चलकर इनका खाना वगैरह चेक करते हैं। ये भाई इसको खोलते हैं, आजा हसन। ओ खाना नहीं हसन, खाना खत्म है, पानी भी खत्म है। ओए ओए जल्दी हसन करना है, हमने लेना है, बल्कि हमारे पास तो है भी नहीं शायद खाना है। पता नहीं, हाँ पिछले पार्ट में हमने ले लिया था ये सारा, इस वक्त इस पर लोड हुआ है। अच्छा अभी खाना तो अभी हम लगा देंगे, लेकिन मसला है सन पानी का हाँ। सिर्फ हमारे पास कूलर रखा हुआ है और हमें गाय को भी देना होता है। और गाय आपने अगर नहीं देखी तो हमारी ये ठहरी हुई है। अब मैंने कहा गुम हो गई, ठीक है ये ठहरी हुई अपनी गाय, इनको भी पानी देना होता है और अपनी मुर्गियों को भी पानी देना होता है। तो हमें ना अभी एक कुएं की जरूरत है, हमें यहाँ पर एक कुआं बनाना है कहीं पर। अभी मुझे नहीं पता कहाँ पर हसन, कहाँ पर अच्छी जगह होगी कुआं बनाने के लिए। मैं कहता हूँ साहब भाई यही पे साथ ही बना लें, उसके साथ बनाते हैं ताकि वहां से पानी भी देते रहे। मैं भी यही सोच रहा हूँ, कुआं यहीं कहीं पर बनाते हैं, ये वाली जगह कहीं पर बनाते हैं, क्योंकि इसके साथ होगा ना हमें ज्यादातर काम यहीं पर होगा। मुर्गियों का वो हमने थोड़ा दूर बना दिया हसन, हमने इसके करीब बनाना था। अच्छा जब दूसरा बनाएंगे ना यहीं पर बनाएंगे, अपने फार्म के करीब बनाएंगे। अपना सारा जो एनिमल्स का एरिया है ना वो यहीं होना चाहिए, ये सारी जगह ये एनिमल्स का एरिया बनाएंगे। अच्छा पहले कुआं हसन इस साइड पर बनाएंगे। तो अब इनको खाना वगैरह रख देते हैं। और हसन पानी जा तू भर कर, मैं ये खाना उठा रहा हूँ, जल्दी आ जा जल्दी। खाना वगैरह रख देते हैं क्योंकि अब हमने सब कुछ इनकी पोटी वगैरह सब कुछ साफ कर दिया, अब ये और खाएंगी। तो भाई ये अपना फूड वाला, इसको मैं फुल कर देता हूँ ये इसके साथ। चल भाई हसन भाई पानी फुल कर, पानी को फुल कर रहा हूँ साहब भाई। ठीक है भाई फुल, ये भाई दोनों चीजें फुल हो गई। अब इनकी अब मैं टेंशन नहीं लेनी है, ये खाती रहेंगी अपना सारे अंडे वगैरह निकालती रहेंगी। साहब हमें दूध निकालना है गाय का। ओए 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 चल 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 सीधा दूध निकालते हैं। और जो अंडे हमने अभी निकाले हैं ना उठाए हैं, उनको चलकर बेचने चलते हैं और देखते हैं कितना प्रॉफिट हमें इनसे आया है। मैं निकालता हूँ पहले। तो भाई हसन भाई दूध निकाल रहे हैं सारा। ओए होए हसन भाई फुल कर दिया आपने तो बाल्टी को, बस फुल्ली हो गया। हाँ चले इसको उठा लें साहब, गाय पकड़े निकाल जाएगी बाहर। आ जा भाई इधर आ, तू इधर आ, वहां पर नहीं ठहरना, वहां पर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ इधर। हाँ ठीक है। ओए एक निकल गई हसन, एक निकल गई, मारो मारो ठहरो इसको, पकड़ 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 अंदर लेकर आ। नहीं बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना यार, ये गाय हमसे संभाल ही जा रही है, दो गाय सारी है। हाँ चले निकाले इसका दूध। कितने 7 लीटर की एक बाल्टी है ना, यानी अभी 14 लीटर हो गए ऐसे ना हसन? हाँ 14 लीटर हो गया। और आ जाए इसके अंदर दूध डालने, अभी अभी इसके अंदर कितना लीटर दूध पड़ा हुआ है? 14 लीटर पड़ा हुआ है। और अब हुई हुई बाहर दरवाजे के अंदर से इसकी मुंडी कैसे निकल आई हसन? अच्छा अभी इसके अंदर कितना लीटर दूध है? 21 लीटर दूध है। ठीक है अभी मैं कहता हूँ थोड़ी देर तक चलते हैं, अपने अंडे उठाते हैं, दूध उठाते हैं और चलते हैं इनको बेचते हैं। ठीक है अंडे ये रखे हुए, टोकरी फुल है, इनको हसन उसके ऊपर लोड कर दे अपनी
कार्ड के ऊपर इसी पर चलेंगे। ये छोटी है, बड़ी को अभी नहीं लेकर जाते क्योंकि ये पेट्रोल ज्यादा पीती है। अभी हमें छोटी का काम है तो छोटी ही लेकर जाएंगे। तो आजा हसन जल्दी से यहाँ पर अपना कुआं भी बना लेते हैं, और फिर अगर उनके लिए चीजें जो जरूरत होंगी ना, अगर कोई ऐसी चीज जरूरत होगी जो कि स्टोर से मिलेगी ना, उसको लेते आएंगे। तो ये ठहरा हुआ अपना कुआं, और हसन इसको बिल्कुल यहाँ पर सेटअप करता है, थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा फार्म से दूर, और बिल्कुल यहाँ पर कर दें हसन। ठीक है ये भाई, ये कर दिया। अब इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत है मुझे नहीं पता। ये हसन कंक्रीट है, ये शायद हमें स्टोर से मिलेगी, मुझे पता नहीं अभी तक, चलकर देखते हैं अगर कोई ठहरी हुई है तो कंक्रीट वगैरह। अब इसको उठा लेते हैं और इसको रख देते हैं यहाँ पर, शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि कंक्रीट अगर लेने जा रहे हैं हो सकता है कि ज्यादा जगह ले वो। चलो भाई हसन भाई, दूध भी रख दो और ये दूसरी गाड़ी भी हसन लेते चलते हैं। मैं भी कहता हूँ मैं दूसरी पे आ रहा हूँ, आप ये वाली पे चलो। हाँ ठीक है। अब हमें कंक्रीट लेनी है 50, और अपना क्या लेना है हसन? और वुड प्लैंक यहीं पर बनेगी, ठीक है। अभी पता नहीं कंक्रीट के लिए कोई हमें मशीन वगैरह लेनी पड़ेगी या फिर हमें स्टोर से मिलेगी, अभी कुछ भी नहीं पता है हमें। चले भाई जनरल स्टोर पर आ गए, और यहीं पर हमने अपना अपना दूध और अंडे को बेचना है। चले भाई इनको ठहरा देते हैं यहाँ पर, हसन जल्दी से आ जा तू। चले भाई अपने यहाँ पर अंडे वगैरह जो हमने लिए हुए ना उनको सेल कर देते हैं। 52x$312 मजा ही आ गया, क्या कमाल का रेट है हसन, $312 भाई, ये ज्यादा है, मजा आ गया। इनको सेल कर देते हैं, और जो अपना मिल्क है ना, दूध से ज्यादा तो अंडे साहब भाई। हाँ दूध से ज्यादा अंडे, लेकिन अंडे को हम बहुत पहले से स्टॉक कर रहे थे इसलिए। अच्छा दूध अब $63 का, ठीक है भाई गुड प्राइस है, सेल करो। तो भाई ये सेल कर दिया और भाई बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आया। अब हमें जाना है हार्डवेयर स्टोर पर, वहीं पर हमें मिलेगी अपने जो कंक्रीट वगैरह है ना, वहीं से मिलेगी। तो भाई हार्डवेयर स्टोर पर आ गए, और अब चलते हैं सीधा अपनी जो कंक्रीट हमने लेनी है ना, 50 कंक्रीट थे शायद, ये ठहरी हुई है कंक्रीट बैग 50 kg, ठीक है हसन यही ठीक है। और मैं चीज़ें यहाँ पर देख लूँ, और कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर हमारे लिए। ये एक स्टील बास्केट हसन लेते चलें, दूसरी गाय के लिए ऐड टू कार्ट किया, स्टील बकेट को नहीं, ये वाली ठीक है, ये वाली एक स्टील बकेट को, और जो कंक्रीट है 50 kg उसको भी लेते चलते हैं। तो भाई ठीक है बस यही दो चीज़ें हसन काफ़ी है। चलो भाई चेकआउट और अपनी चीज़ें अपनी जगह पर आ गई होंगी, और भाई रात हो रही है सारी, मैं लाइट खोलूं, ठीक है हसन इन चीज़ों को उठा और अपनी इसमें रख देते हैं। तो भाई ये सारी सेटिंग कर लिया, और अब सीधा चलते हैं अपने रेंच पर। तो भाई हम घर आ गए और सारी इन चीज़ों को उतार लेते हैं, और हसन भाई भी आ गए, अब इनको यहीं पर रख लेते हैं, और हसन जल्दी से चलते हैं सोते हैं। अभी के लिए अभी रात हो रही है ना, इसलिए सुबह को ना अपनी गायों को भी चीजें वगैरह डालनी, अभी आज जैसे हो जाते हैं। तो भाई सुबह हो गया, और हसन जल्दी से ना पहले चलते हैं अपनी काउज के पास, और खाना डालते हैं। हाँ उनको खाना डालते हैं, क्योंकि उनको हमने कब से नहीं खाना डाला, मर ना जाए यहीं पर। दो साहब वही ये मर तो, अच्छा शुक्र है मैं डर गया, वो सोई पड़ी थी, मैंने कहा मर गई है शायद। अरे चलो इसको यहाँ पर रखते हैं, और अब हसन इनको हमने फार्म में भी ठहराना है। अभी फार्म में ठहराते हैं, क्या कहते हैं? बनाया तो नहीं अभी। हाँ अभी कंप्लीट नहीं किया, फार्म कंप्लीट कर ले फिर इनको ठहराएंगे। चलो भाई इसको यहाँ पर खोल देना, दो खोलें क्या हसन? ये दूसरा बाद में रखेंगे, अभी एक अच्छा, रखा रहा है। ठीक है पानी भी भर लेते हैं, ये पानी का ये मैं उठा लेता हूँ, और भाई अपना वेल कंप्लीट करना है आज। मैं जब तो साहब भाई वो बना रहा हूँ, प्लैंक बना रहा हूँ, हाँ वुड बना तू, ये मैं जल्दी से इनको रख देता हूँ। ये भाई इसको उठाया और इसको यहाँ पर रख दिया। चलो भाई आप खाना खाओ, पानी पियो, दूध भी निकालना है ना इनका। मैं एक बार फिर से चेक करता आता हूँ, शायद दूध आया हो, चेक करने दे बस मुझे। ये इनको बंद कर दिया, चलो भाई दूध दो। भाई हसन इसके अंदर दूध है पड़ा, दूध है पड़ा यहाँ पर। अच्छा निकाले निकाले, निकाल रहा हूँ सारा दूध भाई, पूरा भर दो, यानी 7 लीटर और दूध आ गया, वाह भाई वाह। तो भाई ये दूध निकाल दिया, और चलो आप चलते हैं वापस। वो बाहर नहीं निकला बाहर, यार अजीब है ये, तो बाहर निकल जाते हैं, इनको फार्म में ही ठहराना पड़ेगा, यहाँ पर ये काम ठीक नहीं कर रहे सारे। तो इसको रख दिया यहाँ पर, और फिर से मैं इसको ये रख देता हूँ यहाँ पर, और अपनी गाय को पकड़ता हूँ। आजा भाई इधर आ, इधर काम भाग रही है, काम भाग रही है इधर आ। चलो भाई काम हो गया सारा, अब चलते हैं वापस हसन भाई के पास। हसन भाई कितनी वुड प्लैंक बना लिया आपने? मैं फिलहाल तो काट रहा हूँ। चले भाई ये कंक्रीट में उठाता आ रहा हूँ, और इसको अपने जो कुआं है उसमें लगा देते हैं। चलो भाई ये ठहरी हुई है कंक्रीट, हसन 50 की 50 लगा दी। अब मुझे 6 प्लैंक चाहिए हसन, सिर्फ 6 प्लैंक्स। हाँ 6 प्लैंक्स चाहिए, और ये भी उठा लेता है भाई हसन जल्दी से 6 प्लैंक्स।
बन जाएंगे अभी। बहुत सारी प्लैंक हमने बना लिया और इनको उठा लेते हैं और अपने आजाजन वेल पर लगाते हैं ये सारे। हाँ मैं आ रहा हूँ साहबी, मैं आ रहा हूँ। ये पूरा आ जाना देखना हमारा वेल कैसे बनेगा। आ जा इधर, ठीक है चलो भाई इसको लगा देते हैं। ओए होए 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 हसन, अब चेक तो कर यूज कैसे होगा। अच्छा ये है, ये है। तो पहले हमें यहाँ पर एक बाल्टी लगानी होगी हसन। मैं बाल्टी लेकर आता हूँ, फिर इसके ऊपर लगाएंगे, फिर शायद इसको घुमाएंगे, ऐसे होगा। ऐसे ना, ऐसे है। मैं जल्दी से जाता हूँ, बाल्टी लेकर आता हूँ। अपने मुर्गियों को एक दफा हसन मैं रास्ते में जाता जाता चेक करता जाऊँ इनका सब कुछ चल ठीक रहा है ना। हाँ ठीक है भाई। और अंडे यार हसन, ये इतना तेजी से अंडे दे रही है ना, क्योंकि बहुत सारी मुर्गियां ठहराई हुई हैं। अभी मैंने और भी मुर्गियां लेनी है हसन, और मुर्गियां भी लेने चलते हैं, और गायें भी हमें लेनी है दो। तो ये बकेट मैंने उठा लिया और हसन इसका पानी वगैरह देखते हैं, पानी कैसे डालते हैं इसके अंदर। ये इसको इसके साथ अटैच कर दिया और गई नीचे, नीचे गई। हाँ, अब हसन इसको शायद ऊपर खींचना होगा। तो भाई ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि हसन भाई से नहीं हो रहा था। अब ये देखो, ये पूरा हसन ऐसे घुमाना है हमने। और ये भाई वाकई हसन ये बहुत ही मुश्किल है इसको घुमाना। चले भाई, चले भाई अपनी बाल्टी आ गई और भाई फुल पानी की, और इसमें अनलिमिटेड पानी है भाई अपने कुएं में, तो हमें टेंशन वगैरह नहीं होगी पानी की। फार्म के साथ ही है क्योंकि यहाँ पर हम आगे बहुत सारे एनिमल ठहराने वाले हैं, तो हमें पानी की बहुत ही जरूरत पड़ेगी। अच्छा हसन मैं कहता हूँ दरवाजा बना लेते हैं, गाय को खींच के यहाँ पे आता है। हाँ चले चले, मैं ये सारी उठा लिया हसन, आप भी उठाते हो, और यहाँ पर अपने दरवाजे में सारी अटैच कर देते हैं। ये भाई ये अटैच कर दिया हसन भाई, आप उठा कर आ रहे हो, जल्दी से आओ यहाँ पर अटैच कर दो। ये भाई ये वाला दरवाजा भी कंप्लीट। अभी चले सब खींच आए हुए। हाँ गाय को खींच कर आते हैं। ये भाई ये देखो, ओए होए होए हसन चल आ जा, गाय को खींच कर आते हैं। बड़े गेट जाएंगे साहब भाई, खोल के आएंगे। हाँ ये गेट को खोल कर चलते हैं। एक गाय को तूने खींचना है, एक गाय को मैंने। और हसन यार ये लेने चलते हैं, मुर्गियां लेने चलते हैं, क्योंकि मुझे अंडे में बहुत ही प्रॉफिट नजर आ रहा है। क्योंकि जो अभी हमें प्रॉफिट मिला है $312 का प्रॉफिट भाई, ये बहुत है इस गेम के लिए। आते हैं साहब भाई। ये भाई आजा आजा आजा, चलो भाई चलो हसन चल खेंच यार। साहब भाई वो साहब गाय छूट गई। तू हसन यार तुझसे नहीं सम तुमसे ना हो पाएगा। तो भाई ये दोनों गाय हमारी आ गई और हसन चल इनको सीधा फार्म पर लेकर चलती है, भाग नहीं जाए कहीं पर। और हसन कभी भूल ना जाना फार्म का गेट बंद करना, ये निकल जाएगी कहीं गुम होगी। जब भी जाना है फार्म का गेट पूरा बंद करके जाना है। तो चलो इसको तो ठहरा दिया मैंने और फार्म का गेट बंद कर देता हूँ मैं, ठीक है भाई। अब हसन हम लोग यहाँ से जाएंगे, ये भाई ये वाली नहीं निकल सकती अब। हाँ, हमने तो यहाँ से शायद नहीं निकल सकती। ठहरो चेक करते हैं ये आ रही है, यहाँ से निकल सकती है या नहीं। मुझे लगता है यहाँ से नहीं निकल सकती, ठीक है। ओए निकल सकती है। हाँ दोनों नहीं खोलने, एक से नहीं निकल सकती। ओए ओए चल चल अंदर अंदर भाई, ये कोई अजीब है। चलो भाई गुड सीन हो गया। अच्छा भाई अब सीधा चलते हैं हसन, मुर्गी वगैरह लेते हैं और हसन ये वाली भी गाड़ी खींचते चलते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास खाना खत्म हो गया है। सिर्फ दो रखी हुई है, एक ये और भी नहीं है, सिर्फ एक ही है हमारे पास। चलो भाई खाना भी लेते आएंगे और अपनी मुर्गियां भी लेनी है हमें। प्रॉफिट वाला सीन है, और कोई सीन नहीं चलेगा। हाँ। प्रॉफिट चाहिए अपन को। तो और पे आ गए हैं, चले साहब भाई जल्दी। हाँ, जल्दी चले आ जाए यार हसन, तू ये कैसे सलमान खान वाली एंट्री मार रहा है, उधर गई हुई है गाड़ी। चलो भाई आ गए, अब हमें लेनी है अपनी मुर्गियां लेनी है हसन। इस वक्त हमारे पास है $2000, हम गाय भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। क्या कहता है तू, क्या कहता है गाय ले या नहीं? एक गाय अभी लेकर जाएंगे अगर ले। दोनों चीजें ले लेते मैं कहूं साहब भाई। अच्छा चल, ये कलर की यार हमने दूसरे कलर की मुर्गियां नहीं ली, हमने सिर्फ एक कलर की मुर्गियां ली हुई हैं। आज ये वाले कलर की लेते हैं। हाँ ठीक है आज ये वाले कलर की लेते हैं। हमें कितनी चाहिए हसन? 1 2 3 4 5 6 बस बस काफी है। 6 या 7? एक और कर लेते हैं। चले चले 7 कर लेते हैं। अभी एक और भी कर ले, जोट हो जाएंगे। अच्छा चलो 8 कर लेते हैं। चलो ये अब गाड़ी में आएंगी, 8 कर लेते हैं कार्ड। हाँ ये बात ही है। आ जाएंगी शायद। अच्छा चलो एक काउ ले लेते हैं, ठीक है। अब बस और कुछ नहीं चाहिए और किसी चीज के। और से खाना वगैरह, बुलेट्स हमारे पास, गन है हमारे पास, बुलेट्स नहीं है। ये बुलेट्स उठा लेते हैं, ये दो ले लेते हैं। क्या कहता है? एक मेरी एक मेरी। मैं कहता हूँ मुर्गियाँ थोड़ी लेते हैं, खाना लेते हैं। अच्छा ठीक है खाना लेते हैं, मुर्गियाँ थोड़ी कर देते हैं। 6 ठीक है, 6 मुर्गियाँ काफी हैं। 6 भी मैं कहता हूँ ज्यादा है साहब भाई। वो यार बस कर, अब 6 ठीक है। चले चले करें, किसी तरह जगह कर देंगे हम। ये ले लेते हैं 3। चेकआउट पर चलते हैं अपना, बाहर चलो। और भाई $925 बच गए। अब हसन यार प्रॉफिट करना पड़ेगा वरना यही जाये हो जाएंगे सारे। आए ये गाय मैंने ठहरा दिया है।
ठीक है गाय ठहरा कुछ यहाँ पे ठहरा देता था कुछ वहां पे ठहरा देता हाँ था ठीक भाई। है यहाँ पर ठहरा तो ठहरो मैं इसकी लाइट बंद कर दूँ, ये क्या है लाइट खुली हुई है सुबह के टाइम। तो भी अब सिर्फ ये एक मुर्गी बची हुई है, इसको उठा लेते हैं और इसको अब कहाँ रखना है, इसको रख देते हैं यहाँ पर जगह होती है। हाँ बस हसन ये इसको मुर्गी को तो देख कहाँ पर ठहरी हुई है, अब ये यहीं पर ठहर सभी रहेगी। पैसे दे दें जितने भी आपके पास, मैं कह रहा हूँ आपको पहले दे दें मुझे जितने पैसे भी आपके पास। नहीं 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 आप नहीं बंदूक नहीं रिलोड नहीं होता भाई रिलोड तो ओए कर ले चल भाई हसन गाड़ी खींच और सीधा आप चले अपने रेंच पर और वहां पर इन सारी चीजों को ठहराए, भाई प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा अब। वे 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 भाई वे क्या कर रहा है तू, पागल हो गया है, गंजे टीटे तेरी, तू रुक तेरी खैर क्या है भाई ये क्या, तुझे तमीज नहीं है तुझे यार सही बत... रिवाइव कर दे देख ले, अब रिवाइव नहीं करेंगे आप। यार अब तुझे रिवाइव करना पड़ेगा क्योंकि तू मेरा पार्टनर है, इसलिए गोलियां नहीं चलाना मेरे ऊपर। तुझे तमीज नहीं है यार, तू कैसे गाड़ी चलाता है। आ जा भाई हसन आ जा अपनी गाय मेरे पास है और इसका खाना हसन भाई के पास है, तो सीधा चलते हैं अपने रेंच पर। सीधा तो नहीं जा रहे सर अभी फिलहाल आप। ओए हसन ये क्या हुआ हुआ है, सही दरख्त काट के देखे। वे मैं अचानक से मेरी टक्कर लगी और गाड़ी, वे वो मेरी गाड़ी मेरी गाय, वे शुक्र है पागल हो गई थी वो गेम, तो अचानक से मेरा टक्कर लगा और इसके ऊपर लटक गई वो। अजीब बात है साहब भाई आप। यार कभी तूने गाड़ी को दरख्त के ऊपर देखा है। तो चलो भाई ये आ गए अपने रेंज पर और ये सलमान खान वाली एंट्री होए भाई, अदर चेक किया है तूने। सबसे पहले खाना दे उसे भाई, ओ गाय को हाँ खाना ठीक है ठीक दे। है, अपनी गाय को पकड़े। चल भाई आ जा, चल भाई आ जा ठीक है, अब किसको खोलें और जल्दी से आ जाओ आ जाओ। वो इधर 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 सुन, वे बंद गाय कर मरी हुई है, नहीं सच्ची वे उसे भाई गाय मरी हुई है, वो इसको तो खाना दे साहब भाई वरना ये भी मरने वाली है। ओ जल्दी जल्दी उसे भी पानी पानी पानी, अभी एक गाय को तो बचा ले साहब भाई, वो यार एक गाय को तो हसन बचा ले। वो जल्दी ये कैसे जल्दी जल्दी जल्दी, मरी, पता नहीं साहब भाई कैसे कैसे मरी है, नहीं पता कुछ नहीं ओए यार पता। एक और हमले ऊपर से, एक मर गई यार, खसारे में आ गए खसारे में। कैसे मरी है, हमने इसको खाना नहीं दिया था भाई, हम इतना देर लगा कर आए हैं क्या हसन। शायद साहब भाई यार खाना मैं खा लो यार, आप भी खाना खा लो अभी उसे भी, मैं कहता हूँ यहाँ से चले ये खाना खाएंगे वरना ऐसे थिएटर ही में खाएंगे। मुर्गियों को चेक कर लूं, मुर्गियों का क्या, मुर्गियों का खाना भी खत्म है हसन, जल्दी खाना दे मैं मुर्गियों को भी डाल दूं जल्दी जल्दी कहां उसे भी पर। उठाए, वही मर भी यार गई उसे भाई, हमारा मुर्गा भी मर गया साहब मुर्गा भी मर गया, भाई, हमने बहुत ज्यादा देर लगा दी उसे भाई। वो इतना नुकसान सब एक कुछ। ही साथ साहब भाई, जल्दी खाना रखें जल्दी जल्दी, मैं जब पानी ले आता हूँ साहब भाई जल्दी अच्छा आप खाना ठहर हसन रखें। ठहर ठहर ठहर, मेरे पास एक टेक्निक है, इन सबको हम स्किन कर सकते हैं, यानी इनका गोश्त उठाकर ना अभी जाकर बर्गर शॉप पर बेच कर आते हैं, कुछ फायदा हो जाएगा हमें। यार बहुत बुरा हुआ बहुत बुरा हुआ, अफसोस नुकसान हो गया साहब हम भाई कुछ बहुत सारा। ज्यादा ही देर लगा कर आ गए। ये सारी मुर्गियों को मैं बाहर रख देता हूँ और हसन ये दरवाजा बंद कर दे, मुर्गियां बाहर निकल रही हैं। एक एक ये एक मुर्गी बाहर निकली है, इसको मैं उठाता हूँ, इसको खोलता हूँ और इसको रख दिया अंदर और इसको बंद कर दिया। भाई हसन यहाँ पर चार मुर्गियां शहीद हो गई समझ ले और एक अपनी गाय शहीद हो गई, भाई बहुत ही अफसोस हुआ खाना बहुत खत्म ही। भी वो कर दिया उसे भाई, उस गाय ने खाना खैर वो ऊपर अभी भी ऊपर भूखी ठहरी हुई है उसे ऊपर भी भाई। हसन दो मरी हुई हैं, मैं खाना रखूं जल्दी से जल्दी से जल्दी से, मैं गाय को और खाना रखूं, खत्म भी कर दिया उसे भाई और वो अभी भी भूखी ठहरी हुई थी। ओए यार हसन बहुत बुरा हो रहा है बहुत बुरा, एक और यानी पांच मुर्गे गई और एक अपनी गाय गई हसन, जल्दी से इनको खाना वगैरह रख। ओए और भी मरी हुई है, कितनी मुर्गियां गई, छह मुर्गियां। चले हम इनसे प्रॉफिट कर सकते हैं, अगर ये हम बर्गर शॉप्स को जाकर बेचेंगे ना तो हमें प्रॉफिट हो ये जाएगा। मुर्गियां भी हैं साहब भाई। हाँ इन मुर्गियों को लेते हैं रखते हैं, पहले अपनी जो गाय है ना उसको स्किन कर देते हैं इधर। हाँ साहब भाई ये ई ई होल टू स्किन, भाई हसन ये देख इतना मीट निकल आया, यार अफसोस हुआ बहुत अफसोस हुआ। अभी इनकी हेल्थ कितना है, इसने खाना नहीं खाया हुआ, ये नहीं इस है ये नाई है इसने खाना खाया हुआ ठीक है। अब ये जो अपने मीट वगैरह है ना इनको उठा हुआ हसन, चलो भाई इन इसको मैं खोल देता हूँ और यहाँ पर रखता जाता हूँ। चल भाई ये वाला उठाओ,
और इसको भी हसन मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, तू उठाता जा। मैं गाड़ी के अंदर रखता जाता हूँ। अरे सारा जो अपने मीट है ना वो यहीं पर रख दिया, और ये मुर्गे ठहरी हुई है और इन्होंने अंडा भी यहीं पर निकाल दिया है। चलो भी उठाओ भाई, इस बार तुम लोग को मैं नहीं मरने दूंगा। हसन हसन हमसे गलती हो गई हसन, हमने यार खाना ही नहीं दिया, हमने हम मजे उड़ा रहे थे वहां पर, मस्तियां कर रहे थे, लेकिन हमें पता भी नहीं था यहाँ पर हमारी मुर्गियां मर रही हैं। देख रहा है हसन तेरी वजह से हुआ, तू मस्तियां कर रहा था, सारी तेरी गलती है, सारी मेरी वजह से, कुछ आपकी वजह से हुआ, आप वहां पिस्तौल से खेलने ठहर गए, मुझे मारने ठहर गए थे। तो भाई ये वाली मुर्गी भी रख दी यहाँ पर, यानी कंप्लीट है ऐसे ना सारे। चल भाई हसन वो यूटीवी खींच और चलते हैं फिर, अब इनको बेचने चलते हैं भाई। अफसोस तो बहुत हो रहा है लेकिन करना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट इनसे भी प्रॉफिट होगा हमें। चल भाई हसन आ रहा है, आ जा जल्दी चलें सीधा। और भाई यहाँ पर बर्फबारी हो रही है, सर्दियां आ गई अचानक से, एक दिन में सर्दियां आ जाती हैं और अगले दिन गर्मियां शुरू हो जाती हैं। हसन अपनी बर्गर शॉप और हमें इसके पिछले हिस्से पर जाना है, यानी पीछे वाली जगह पर, ये ठहरी है वो जगह। और हसन टक्कर नहीं मारना यार, तू खत्म हो गई, तू गाड़ी चलाने नहीं आती क्या, टक्कर मार देता है हर बार। भाई मैं क्या करूं, चलो भाई इसके ऊपर ठहरा दे, इसके ऊपर यूटीवी को ठहरा, पर सेल करते हैं बर्गर शॉप, ये अपना मुर्गियां भी लेगा और अपनी गायें भी लेगा। दूसरी अभी नहीं ठहर रही, आप वो करें। अच्छा चलो ठीक है भाई, यहाँ पर सेल कर लेते हैं, ये सिर्फ मैंने जो उठाया हुआ था। ओ भाई बीफ हसन $360 के जा रहे हैं, ठीक नहीं जा रहे हैं। अच्छा हमने जो गायें ली थी ना वो ली थी $650 की, उसका जो मीट अब सेल हो रहा है ना वो 360 का हो रहा है, यानी हमें हाफ पैसे मिल रहे हैं, हाफ नहीं मिल रहा है। चलो ठीक है कोई बात नहीं है, चलो ये बेच दिया। और एक मुर्गी के हमें $30 मिल रहे हैं, जबकि एक मुर्गी हमने $50 के लिए ली है। ठीक है चलो भाई, तो भाई ये वाली भी आप खींच लेते हैं, इसको भी रख देते हैं यहाँ पर। इसके अंदर 5 मुर्गियां हैं ऐसे ना, नहीं नहीं 5, हाँ 5 है, 5 है ठीक है, नहीं 6 है यार, असल मेरी मैथ कमजोर है क्या करूं मैं। तो भाई अब ये देखते हैं ये कितने की बिक रही है। ये एक चिकन है, 5 चिकन है और एक मुर्गा मरा है, यानी 5 चिकन मर गई है। और अब इनका टोटल हो रहा है मुर्गियों का हो रहा है $120, और जो मुर्गा है उसका $30 हसन, जबकि हमने $250 का मुर्गा लिया था। इसको मतलब आधे पैसे भी नहीं दे रहा है भाई, कितना बड़े नुकसान हो गए, कितना बड़े भाई, इन सबको सेल करो, अब मुझे बहुत अफसोस लग रहा है। चल हसन वापस चलें। तो भाई सुबह हो गई है और हमारी मुर्गियां शुर्गियां सारी मर गई जो ठहरी हुई है। देखो मैं फिर से एक दफा अपनी गायें चेक कर लूं, दोनों हाँ दोनों खाना खा रही हैं, शुक्र है भाई। इस बार हसन फिर कभी नहीं मरने देना इनको, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान है। और ये मुर्गी बाहर कैसे निकली हुई है, ये अभी मुंह से निकली, ओए गंजे टीटे ध्यान करना। इसको खोलते हैं और इनको रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। पानी की मुझे लग रहा है कमी हो रही है, मुर्गियों के पास में पानी भर लूं भाई। चलो पानी तो भर ले। और हसन वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है और हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया, तो आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा कि हमारी मुर्गियां हसन न मरे। आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।